गुड मॉर्निंग. आज का नया दिन, नई बिगनिंग. हस्बैंड सो रहे हैं, सो आई बी क्वाइट, नॉट स्पीक टू मच. आज का प्लान मस्ती मारने का है, पूल में जाने का है, मुस्तफ़ा महल जाने का है. देखते हैं प्लानिंग कितनी कामयाब हो सकती है. कोई उठेगा तो जाएंगे, अभी तक तो सब सो रहे हैं. इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग. मैं जा रही हूँ. बाय. ये पेडेस्ट्रियन की लाइट है, जब ये ग्रीन होगी तभी हम लोग यहाँ से मूव कर पाएंगे. यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है पिलर पे, इसको हमने प्रेस कर दिया, अभी ये लाइट ग्रीन हो जाएगी. सो वी हैव रीच्ड बर्लिन पार्क. आज का प्रोग्राम तो सुबह का था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 बजे निकलना था, बट 8 बजे तो कोई नहीं निकला और 4 बज गए, 3:30 बज गए हैं और अब हम पहुंचे हैं बर्लिन पार्क, द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ टुडे. लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द. अब जब बर्लिन पार्क पहुंच चुके हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ बर्लिन पार्क यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है. हाउ डज इट लुक, सी ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वेरी फेमस बर्लिन पार्क. ये जो सामने आप देख रहे हो ये फ्लायर है जिसको मैं 4 दिन से देख रही हूँ, ये ऐसे ही है. रात में सिर्फ लाइट जल जाती हैं, ये चलता वलता नहीं, ऐसे ही खड़ा रहता है यहाँ पर. ये यहाँ का है, ये मरीना बे का डेक है. यहाँ पे डेक के ऊपर 9:00 तक ही एंट्री है. कल हम गए थे एंड एज यूजुअल हम लेट थे तो हमें एंट्री नहीं मिली. और यहाँ पर हुआ था यहाँ का फेमस लेज़र शो, जो कि मैंने कल के व्लॉग में डाल रही थी. मैंने वहाँ पे उसको स्नैपशॉट किया था. एंड दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस प्लेस. चलो अभी 2 मिनट बाद मिलते हैं. लेगू से इन्होंने ये एक बिल्डिंग बनाई हुई है, लेगू ब्लॉक्स होते हैं ना, उससे ये इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने और इतनी फाइन बनाई हुई है, बिना कोई फ्लैट पीस यूज़ किए हुए. हम आ गए हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा सेंटर में, तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमारे मतलब का कुछ मिलता है नहीं मिलता. Oh, yeah. फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल इंडियन ब्रांड. मुझे नहीं समझ में आता कि हम क्यों खरीदें यहाँ से महंगा, वही चीज़ जो हमें इंडिया में मिल जाती है हमें यहाँ से खरीदने में कोई तुक नहीं मुझे समझ में आ रहा. तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनीथिंग, बट हाँ हैं काफ़ी सारी चीज़ें. लेट्स हैव अ लुक. स्टिल इन लिटिल इंडिया. सोचा था अब लिटिल इंडिया नहीं आएंगे, लेकिन आज हम लिटिल इंडिया की दूसरी साइड पर आए हैं. दिस इज इन फैक्ट लिटिल बेटर, एनवायरनमेंट बेटर है यहाँ पर. और यू वोंट बिलीव एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग.
अमूल बटर, अमूल दूध, लिमका, नारियल पानी, मैंगो, बनाना, एनीथिंग यू नेम दैट वी गेट इन इंडिया, यहाँ पर सब कुछ है. इनफैक्ट लग ही नहीं रहा कि आप सिंगापुर टूर पर आए. इट इज़ लाइक मैं इंडिया में ही घूम रही हूँ. चूड़ियाँ, गजरे, सूट, साड़ियाँ, चिन्नम चट्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब हर चीज़ इंडियन यहाँ पर है. और इनफैक्ट हम लोग इतना लिटिल इंडिया घूम लिया, इतना लिटिल इंडिया घूम लिया है कि आई वॉज जोकिंग कि मतलब हम लोग बैठे हुए थे एक ऐसे फुटपाथ पर और कहीं पर बैठे हुए थे जस्ट टू हैंग अराउंड, और यहाँ के लोकल्स आकर हमसे एड्रेस पूछ रहे हैं कि ये कन्वीनियंस स्टोर कहाँ पर है. एंड वी वर फीलिंग लाइक कि हम लोग क्या मतलब इतना घूम रहे हैं कि लोगों को हमारी शक्लों से ही पता लग रहा है कि हमने इतना सिंगापुर घूम लिया कि अब हम इनको मतलब लोकल्स को हम एड्रेस बता सकते हैं कि हम कौन सी जगह कहाँ पर है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ लुक, एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है. ये मुझे अभी पहला सिंगापुर में टेंपल नजर आया है. इसका नाम है वीरा महाकाली. इसका नाम है वीरा महाकाली टेंपल. पता नहीं विजिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मैंने सोचा दर्शन तो सबको करा दूं. एक मंदिर और, सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर. ये देखो दुनिया भर के इंडिया के सारे भगवान इधर हैं. इंडिया पूरे सिंगापुर में आपको एक बाल गिरा हुआ नहीं दिखेगा, और ये लिटिल इंडिया है. Nonsense. One more day ended up. We went to Merlin Park. Merlin Park में basically मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा hype है. Merlin Park. ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर, बट हाँ ठीक है, यहाँ का एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत मेन अट्रैक्शन है, तो आप आएंगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा. सेकेंड वी वेंट टू मुस्तफ़ा मॉल. मुस्तफ़ा मॉल तो मुझे सीरियसली जाना वेस्टेज लगा, बिकॉज वहाँ पर कुछ एवरीथिंग वॉज लाइक इंडियन. तो हम इंडियन चीज़ें इंडिया से आके यहाँ पे आके क्यों खरीदेंगे? इंडियन चीज़ें इंडिया में ही खरीदेंगे ना हम, और अगर हमें इंडियन चीज़ें ही खरीदनी है तो हम यहाँ पर क्यों लेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आया. जो लोग ऐसे पागलों की तरह वहाँ पर वहाँ से आके यहाँ पे ख़रीदते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. देन हम लोग घर आए, रात को लेट हो गए काफ़ी, और बहुत सारी मस्ती करी रात में, एक दूसरे की लेग पुलिंग करी और बहुत मज़ा किया. तो अभी तो नींद आ रही है बहुत सारी. गुड नाइट.